ये तो सब जानते हैं कि एक्टर मनोज कुमार भारत कुमार नाम से मशहूर हैं। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? दरअसल 1964 में मनोज कुमार की फिल्म शहीद रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मनोज कुमार ने एक्टिंग के साथ निर्देशक की जिम्मेदारी भी निभाई थी। इस फिल्म को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देखा, उन्हें ये फिल्म काफी पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार को किसानों पर फिल्म बनाने की सलाह दे दी और फिर मनोज कुमार ने बनाई फिल्म उपकार। 1967 में आई इस फिल्म की कहानी खुद मनोज कुमार ने लिखी थी। ये फिल्म किसान और शहीदों की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का मशहूर गाना मेरे देश की धरती आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुनाई देता है। इस फिल्म को काफी सराहा गया। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड से लेकर कई और अवार्ड जीते। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम था भारत। इसके बाद मनोज कुमार ने और एक देशभक्ति पर फिल्म बनाई पूरब और पश्चिम। इस फिल्म में भी उनके किरदार का नाम भारत ही था। इसके बाद देशभक्ति पर फिल्मों के लिए मनोज कुमार पहचाने जाने लगे और फिर उनको नाम मिल गया भारत कुमार। इसके बाद आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति और कलर में भी उनके किरदार का नाम भारत रखा गया। वैसे एक मजे की बात बताएं तो मनोज कुमार भी उनका असली नाम नहीं है, उनका असली नाम है हरी किशन गोस्वामी।